आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, पैरालंपिक एथलीट्स जो अपने डिसेबिलिटीज के बावजूद स्पोर्ट्स में कमाल करते हैं, उनका इंजरी रिस्क ओलंपिक एथलीट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट शेरी ब्लॉट के इनसाइट्स के साथ। लेकिन उसको जानने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि पैरालंपिक एथलीट्स अपने फिजिकल एबिलिटीज़ को पुश करते हैं ताकि वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें, लेकिन इसी के साथ उनके इंजरी होने के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। रिसर्च ने यह दिखाया है कि पैरालंपिक एथलीट्स को इंजरीज और इलनेस का रिस्क ओलंपिक एथलीट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जैसे कि रियो 2016 समर गेम्स में 12% पैरालंपिक एथलीट्स को इंजरी रिपोर्ट की, जबकि ओलंपिक एथलीट्स में ये नंबर सिर्फ था 8%। पैरालंपिक एथलीट्स जो अडाप्टिव इक्विपमेंट जैसे कि व्हीलचेयर्स या प्रोस्थेटिक्स यूज़ करते हैं, उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेस हैंडल करना पड़ता है। शेरी ब्लॉट जो खुद एक लॉन्ग डिस्टेंस व्हीलचेयर रेसर हैं और अब एक रिसर्चर भी हैं, वो बताती हैं कि व्हीलचेयर यूजर्स का अपर लिम्ब इंजरीज, खास करके शोल्डर इंजरीज का रिस्क ज़्यादा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपने शोल्डर्स पर बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं, चाहे वो व्हीलचेयर पुश करना हो, कार में आना जाना हो या अपनी डेली एक्टिविटीज़ करना हो। अब बात करते हैं कि इंजरीज का पैटर्न क्या होता है। पैरालंपिक स्पोर्ट्स में रिसर्च ने ये रिवील किया है कि कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स जैसे कि व्हीलचेयर रेसिंग या पैरा स्विमिंग में इंजरीज का रिस्क और भी ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है कि इन स्पोर्ट्स में रिपीटेटिव मोशन होती है जो मसल्स और जॉइंट्स पर कॉन्स्टेंट प्रेशर डालती है, और जब बॉडी को प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी टाइम नहीं मिलता तो इंजरीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। जब हम पैरालंपिक एथलीट्स को ओलंपिक एथलीट्स से कंपेयर करते हैं तो एक चीज़ क्लियर होती है, पैरालंपिक एथलीट्स को अपने फिजिकल लिमिटेशंस के साथ साथ अपने इक्विपमेंट के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट और एक्स्ट्रा एफर्ट उनके इंजरी रिस्क को बढ़ा देते हैं। शेरी ब्लॉट कहती हैं कि इंजरीज का हाई रिस्क इन एथलीट्स के लिए एक कॉमन चैलेंज है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इन सभी रीजन से पैरालंपिक एथलीट्स का इंजरी रिस्क ज़्यादा होता है। अडाप्टिव इक्विपमेंट का स्ट्रेस, रेपिटेटिव मोशन और फिजिकल लिमिटेशंस सब मिलकर उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, लेकिन ये एथलीट्स अपनी हिम्मत और डिटर्मिनेशन से हर चैलेंज को पार करते हैं। हम सबको उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके लिए और भी सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने का कोशिश करना चाहिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि पैरालंपिक में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इनको, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें।